आज चर्चा करने वाले हैं हम एक ऐसे विषय के बारे में जिससे ज़्यादातर लोग बहुत परेशान रहते हैं और अपनी गृहस्थ ज़िंदगी अच्छे से नहीं गुजार पाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, ज़्यादातर आम इंसान क्या, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान जो होते हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, बुज़ुर्गों लोग हैं, बुज़ुर्गों में तो खैर कम ही ऐसी चीज़ देखी जाती है, जो आज की युवा पीढ़ी है उन्हें बहुत ज़्यादा ये दिक्कत देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं शीघ्रपतन। शीघ्रपतन एक ऐसी समस्या है कि जिससे आज की युवा पीढ़ी 90% ग्रसित है, यानी पीड़ित है। आपको बताना चाहूँगा मैं कि जितने भी मार्केट में शीघ्रपतन को दूर करने वाली दवाइयाँ मिलती हैं और वो सर्व साइड इफ़ेक्ट देती हैं और उनसे हमेशा घाटा ही घाटा होता है, नुकसानदायक होती हैं, इनको कृपया करके खाएं ना और इनसे बचने की कोशिश करें। आज मैं एक आपको ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप अपनी शीघ्रपतन यानी मर्दाना ताकत को सही कर सकते हैं और 1 से 1.5 घंटे तक अपनी सेक्सुअल लाइफ का यानी गृहस्थ जीवन का मज़ा ले सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा वो कौन सी जड़ी है। दोस्तों ध्यान दें, आपके शायद आपने देखा होगा कि कभी कभार पहले के जो राजा महाराजा थे, आपने किसी से सुना होगा शायद, या कोई बहुत से लोग बताते हैं, या फिर मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत से जो राजा महाराजा थे पहले, वो अपनी 100 रानियाँ रखते थे। तो वो किस प्रकार से अपनी बीवियों को खुश करते, इसी प्रकार से खुश करते थे कि उनके पास में जो वैद्य लोग होते थे, राजकीय वैद्य होते थे, वो ऐसे नुस्खे बना के दिया करते थे। तो आज मैं फिर एक ऐसा नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसको आपको जानकर बहुत ही हार्दिक खुशी होगी, इसको अपनाने के बाद आप अपने जीवन में बहुत कुछ सुखदमय महसूस कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि आपने कौंच का नाम सुना होगा, कौंच बीज। दोस्तों कौंच बीज को आप ले आइए अपने घर पर, कौंच बीज के साथ में 10 ग्राम कौंच बीज ले आइए, 10 ग्राम अश्वगंधा, 10 ग्राम सफ़ेद मूसली, 10 ग्राम मकरकरा और इसके साथ में 10 ग्राम सतावर ले लें, 5-5 ग्राम जावित्री और जायफल ले लें। इनको कूट पीस कर आप एक पाउडर बना लें, इन सभी का पाउडर बनाने के बाद में दोस्तों इसमें जितना वजन हो जाए उससे आधा इसमें शहद मिलाकर इसकी गोलियाँ बना लें। गोलियाँ बनाने के बाद में इसको सुबह शाम एक एक गोली लेना प्रारंभ करें दूध के साथ। और जो भाई बहन शादीशुदा हैं, वो लोग जिन्हें नेट यानी शीघ्रपतन की प्रॉब्लम होती है, यानी डालते ही जड़ जाता है, इस प्रकार की कोई समस्या है उनको, तो वो लोग इसको यानी बिस्तर पर जाने से पहले यानी सेक्स करने से पहले एक गोली या 2 गोली सेक्स करने से आधा घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले गुनगुने दूध के साथ लें और लेने के बाद में फिर हम बिस्तरी करें। और इसकी एक और मैं प्रयोग बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसके साथ में जो कौंच की जड़ होती है, अगर आपको कौंच की जड़ मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है। कौंच की जड़ आप पंसारी वैसे नहीं मिल पाती है आपको, हरी तो आपको ताज़ा नहीं मिल पाए, तो आप पंसारी की दुकान से ले जाएँ 10-5 रुपये की, लेने के बाद में दोस्तों और उसमें आपको एक इतने इतने आंगुल के टुकड़े कर लेने हैं, और टुकड़े करने के बाद में उसको जब आप सेक्स करने जाएँ तो सेक्स करने से पहले उसको आप अपने मुँह में रख कर जुबान पर रख कर चूसें, और चूसने के बाद उसको थूके ना और अब संभोग करें, तो संभोग करने की क्रिया को आप 1 घंटे से 1.5 घंटे 1.5 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं और अपने जीवन को सुख में आनंद में मना सकते हैं दोस्तों। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आगे जितने भी लोग परेशान हैं उनको फ़ायदा पहुँचे, और फ़ायदा पहुँचने के साथ में दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।